स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें, स्किप करके मत जाएं। प्यारे बच्चों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारी क्लास भगवती न्यू क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज पर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और इससे पहले के क्वेश्चन को हमने कर दिया है। तो आप सभी लोग जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा जरूर देखें। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, डाउट क्लियर हो जाएं। आप बीच में स्किप करके मत जाएं, क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगना है और आपका ट्रांसपोज का रूल लगना। तो सबसे पहले हम पार्ट वन को लेते हैं, और पार्ट वन में ए और बी दोनों गिवन है। तो सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखिए, ए और बी जो है, ए ये है, बी ये है, तो हम ए बी निकालते हैं। ए बी का मतलब हो गया 1-4 और 3, और बी का मतलब हो गया -1, 2 और 1। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल को हमें पता करना है। प्रोडक्ट रूल आपको पता भी है, आप जानते हैं प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जैसे रो का हम कॉलम में करते हैं, तो फर्स्ट रो का जितने कॉलम है सब में किया जाता है, फिर सेकंड रो का सभी कॉलम में किया जाता है, थर्ड रो का भी सभी कॉलम में किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट रो है, इसमें फर्स्ट रो में एक ही रो कॉलम है, सेकंड रो में भी एक ही कॉलम है, थर्ड रो में भी एक कॉलम है, लेकिन इसमें 3 कॉलम है, तो रो में रो एक ही है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले इस फर्स्ट रो से 3 कॉलम में किया जाएगा, ठीक है। तो 1 का 1 में -1 हो गया, 1 का 2 में 2 हो जाएगा, 1 का 1 में 1 हो गया, फिर -4 का 1 में 4 आ जाएगा, 4 का 2 में -8 होगा, 4 का 1 में -4 होगा, ठीक है। 3 का 1 में -3 होगा, 3 का 2 में 6 होगा, 3 का 1 में 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका ए बी का प्रोडक्ट। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए बी ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ट्रांसपोज आप जानते हैं कि हमें चेंजिंग द रोज आर कॉलम, ये हम रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रो में कर देते हैं, ये हो गया 4-8 और -4 होगा, ये -3, 6 और 3 आ गया, ओके। तो ये आपका एल एच एस हो गया, और ये था एल एच एस, ठीक है, नंबर 1। अब आर एच एस को ले लेते हैं। आर एच एस में सब आइए, यहाँ पर ए इज इक्वल टू है 1-4 और 3, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1-4 और 3। सिमिलरली बी इज इक्वल टू है -1, 2, 1, तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा -1, 2 और 1, ठीक है। अब इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये आपका बी ट्रांसपोज है -1, 2, 1, और ये हो गया है ए ट्रांसपोज का 1-4 और 3, ठीक है। अब प्रोडक्ट आप जब करेंगे तो सेम रूल यही लगेगा जो यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे हमें प्रोडक्ट करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो 3 कॉलम में, तो -1 का 1 में करेंगे तो -1 आएगा, -1 का 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 का 3 में करेंगे तो -3 आ गया, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 4 में करेंगे तो -8 आएगा, 2 का 3 में 6 हो जाएगा, 1 का 1 में 1 आएगा, 1 का 4 में -4 आएगा, 1 का 3 में 3 आ जाएगा, और ये आपका बन गया, और ये हो गया नंबर 2। अब यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं, तो देखिए ये 1 और ये 2 दोनों डिक्टो आ रहे हैं, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है जो, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया from 1 and 2
LHS बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। और दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट ये है। अब हम दूसरा क्वेश्चन ए, ए इज इक्वल टू क्या है, 012, तो हम ए बी एल एच एस लेते हैं और ए बी को हम इसमें जो प्रूफ करना है ये एल एच एस या आर एच एस। हम पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए बी का प्रोडक्ट निकाले हैं 012 और 15 और 7, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो पहले इस जीरो से तीनों में करेंगे 0 0 0, फिर 1 से करेंगे तो 1 5 7, फिर 2 से करेंगे ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपका रो का कॉलम में बदल जाएगा 1 5 7 2 10 और 4, ठीक है। ये तो LHS था, ये हो गया नंबर एक। अब हम RHS को लेते हैं। RHS में सबसे पहले हम इनका ट्रांसपोज करते हैं। तो A इज इक्वल टू है 012, देन A ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, सेम 0 1 और 2, ठीक। B इज इक्वल टू क्या है, 157 157, देन V ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 157, ठीक है, 157 आ गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ इसका ट्रांसपोज करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो B ट्रांसपोज ये RHS लेते हैं। RHS में आप देखिए कि ये LHS था, अब RHS, तो हम इसका B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो B है 157 157, और ये है 0 1 और 2, ठीक है। अब ये देखिए 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 1 का 2 में 2, 5 का 0 0, 5 का 1 5, 5 2 जा 10, 7 0 0, 7 1 7, 7 2 जा 14, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया नंबर टू। अब यहाँ पर देखें दोनों की वैल्यू सेम आ रही, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। तो फ्रॉम वन एंड टू कंपेयरिंग, अगर हम उनकी कंपेयर करते हैं तो ये हमारा LHS जो होता है RHS के इक्वल है। देयरफॉर ये आपका ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हेंस ये आपका प्रूफ होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों।